रहमान रहीम, आज मैं आपको फाल से मुतलका तमाम ईडियम और फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा। ये फाल से मुतलका पार्ट वन है, तो इसके फ्रेजल वर्ब देखें। नंबर वन है फाल अमंग, एंटर अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली बाय चांस, इसका मतलब है इत्फाकन लोगों के दरमियान आ जाना। नंबर वन इसका सेंटेंस देखें, ही फेल अमंग थीव, वो चोरों के दरमियान आ गया। नंबर टू है फाल अवे, इसका मतलब है डेजर्ट, साथ छोड़ जाना, अलहदा हो जाना। नंबर वन इसका सेंटेंस देखें, फ्रेंड्स फाल अवे इन पुअर्टी, दोस्त गुर्बत में साथ छोड़ जाते हैं। नंबर थ्री है फाल बैक, इसका मतलब है विथड्रॉ टू रिसीव। सेकंड मतलब है इसका एक्सेप्ट डिफीट, पीछे हट जाना, हार मान लेना। इसका सेंटेंस देखें, द एनिमी कुड नॉट फेस द अटैक, दुश्मन हमले का सामना ना कर सका, एंड फेल बैक, और पीछे हट गया। नंबर फोर है फॉल बैक अपॉन, सहारा लेना, मेक यूज ऑफ सम हेल्प का सहारा लेना। इसका सेंटेंस देखें, द विडो हैड नो वन, बेवा के पास कोई भी ना था, टू फॉल बैक अपॉन, सहारा लेने के लिए। नंबर फाइव है फॉल इन, इसका मतलब है गो ऑन पेरेड, कतार में तरतीब से खड़े हो जाना। इसका सेंटेंस देखें, द सोल्जर्स फेल इन, सिपाही तरतीब में खड़े हो गए, एंड मार्च ऑफ, और आगे बढ़ने लगे। नंबर फाइव सिक्स देखें, फॉल इन विद, इसका मतलब है एग्री टू अ प्लान, आइडिया और ओपिनियन, किसी मंसूबे या तजवीज से इत्तेफाक करना या मुत्तफिक हो जाना। इसका सेंटेंस देखें, वी फॉल इन विद यू, हम तुम्हारे तुमसे मुत्तफिक हैं, इन ऑल द मैटर्स, हम तमाम मामलात में तुमसे मुत्तफिक हैं, वी फॉल इन विद यू इन ऑल द मैटर्स। नंबर सेवन देखें फॉल ऑफ, इसका मतलब है बिकम लेस आर फ्यूअर, कम हो जाना। इसका मतलब देखें, इसका सेंटेंस देखें, फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन पुअर्टी, जो इस फर्स्ट सेंटेंस का फॉल अवे और फॉल ऑफ दोनों का तकरीबन एक मतलब है। फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन पुअर्टी, दोस्त गुर्बत में अलहदा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। नंबर एट है फॉल ऑन आर अपॉन, फॉल ऑन आर अपॉन, इसका मतलब अटैक बिगिन टू इट। इसका सेंटेंस देखें, मतलब है इसका टूट पड़ना, हमला करना। दी रॉबर्ट्स फेल ऑन अपॉन द कारवान, रॉबर्ट्स डाकू कारवान पर टूट पड़े। नंबर नाइन देखें फॉल आउट, झगड़ना लड़ना, क्वर्ल। इसका सेंटेंस देखें, द ब्रदर्स भाई, द ब्रदर्स फेल आउट ऑन द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स प्रॉपर्टी, भाई अपने बाप की जायदाद की तकसीम पर आपस में लड़ पड़े। नंबर टेन देखें फॉल थ्रू, इसका मतलब है नाकाम हो जाना, फेल। इसका सेंटेंस देखें, द प्रोजेक्ट फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ फंड्स, द प्रोजेक्ट मंसूबा फेल थ्रू, नाकाम हो गया, फॉर वांट ऑफ फंड्स, फंडों की कमी की वजह से। नंबर 11 देखें फॉल टू, शुरू कर देना, स्टार्ट। इसका सेंटेंस देखें, दे फेल टू ईटिंग, वो खाने पर टूट पड़े या उन्होंने खाना शुरू कर दिया, एज सून एज द मील वाज सर्वड, जो ही खाना पेश किया गया। फॉल टू एक ऐसा आइडिया है जिसके बाद आईएनजी का आना मस्ट है, दे फेल टू ईटिंग, ईट नहीं आएगा, ईटिंग आएगा, दे फेल टू ईटिंग एज सून एज द मील वाज सर्वड, उन्होंने खाना शुरू कर दिया जो ही खाना पेश किया गया। नंबर 12 है फॉल अक्रॉस, इसका मतलब है फाइंड बाय चांस, इत्तफाकन कोई चीज या कोई किसी शख्स से मुलाकात हो जाना। इसका सेंटेंस देखें, आई फेल अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन लाहौर, मुझे अपना एक पुराना दोस्त लाहौर में मिल गया, अचानक मिल गया। नंबर 13 है फॉल अंडर, फॉल अंडर का मतलब इंक्लूड इन अ कैटेगरी, किसी दर्जे में शामिल होना। इसका सेंटेंस देखें, दीज स्टूडेंट्स फॉल अंडर द स्कॉलरशिप ग्रुप, ये दोस्त स्कॉलरशिप ग्रुप की फहरिस्त में दर्जे में आ गए। और इसका नंबर 13 देखें, अपना 14 फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट टुकड़ों में बट जाना, कम इन टू पीसेस। इसका सेंटेंस देखें, एज अ नेशन बतौर कौम वी शुड नॉट फॉल अपार्ट, हमें टुकड़ों में नहीं बटना।